तो बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं थोड़ी सी। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सबसे पहले साइन कॉस टेन के बारे में जानते हैं। ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है। ये ए बी और सी। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो बेटा आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया होगा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना यहाँ पर साइन है, चांदी यहाँ पर कॉस है और टी तोले मतलब टेंजेंट। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा बेटा वन अपॉन कॉस थीटा होता है। मैं सारी छोटी छोटी बातें भी बता दे रहा हूँ। और टेन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो बेटा कॉट थीटा आ जाता है। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है। फिर कुछ एंगल्स की वैल्यू होती हैं, वो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट तरीका उसे याद कर सकते हो। एक टेबल बना लेते हैं, साइन कॉस टेन, तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन की वैल्यू बनाना बहुत आसान होता है। इसको ले सकते हैं √0/2, इसको ले सकते हैं √1/2, इसको ले सकते हैं √2/2, √3/2 और √4/2। तो ये तरीका है, अगर किसी को नहीं याद है तो वो ऐसे बना के ले सकता है। √0/2 मतलब 0, √1/2 मतलब 1/2, √2/2 इज 1/√2 और ये √3/2 ही हो गया, और √4/2 आएगा 2/2 1 हो गया। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल है अगर वैल्यू याद नहीं है तो। और साइन को उल्टा कर दोगे तो कॉस की बन जाती है। इधर से लिखना चालू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे तो बेटा टेन आ जाता है। टेन थीटा जो होता है वो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मैं छोटे छोटे फॉर्मूले भी बता देता हूँ जो काम आते हैं। तो 0/1, 0, 1/√3/2 is 1/√3, 1/√2/1 is 1, √3/2/1/√2 is √3 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। आया समझ में बेटा आप लोगों को? एक और फार्मूला जो काम आता है बहुत, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। एक और फार्मूला है 1+10²θ sec स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। एक साइन 2θ का फार्मूला भी फिजिक्स में बहुत यूज होता है। साइन 2θ होता है 2sin θ cos θ। ये फार्मूले जो हैं ये फिजिक्स के फार्मूले, फिजिक्स में यूज होते हैं, वो फार्मूले मैंने बताए हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तो बहुत हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पर ये जनरल यूज होते हैं वो बता दिए हैं। अभी धीरे धीरे करके डिटेल भी आपको पता लगती जाएगी।
अब ये मैंने बनाई क्यों है वीडियो, ये वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जिनको हायर एंगल्स की वैल्यू निकालना नहीं आती। तो हायर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले एक रूल है, उसे कहते हैं ASTC, आगरा के सारे टीचर चैंपियन, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कुछ भी याद कर लो। ए यहाँ पर होता है ऑल, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, 0 से लेके 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। कोसेक, कोसेक पे इतना ध्यान ना दें, साइन पे ध्यान दें, साइन पॉजिटिव है। और 180 से लेके 270 तक टैन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, पर यहाँ पर अभी आप टैन पे ध्यान दीजिए, टैन पॉजिटिव है क्योंकि ASTC है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो 270 से लेके 360 तक कॉस पॉजिटिव होता है। अब इस रूल का करना क्या है और ये हमने सीखा क्यों है, देखो मैं तुमको कुछ फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ। अगर फॉर्मूले बनाना आ गए तो तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 90 में कुछ ऐड या सब्रैक्ट करते हैं तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, और टेन कॉट बन जाता है। क्या मतलब है इस बात का? साइन 90 माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। एक बात है। दूसरी बात देखो, 0 से लेके 90 तक में मतलब 90 से कम आएगी एंगल तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, मतलब साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, तो इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके आगे मैंने पॉजिटिव निशान लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये तो 90 से कम वाले की निकालने का हो गया, 90 से ज़्यादा वाले की निकालनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा। तो बेटा साइन 90 प्लस थीटा, मैंने कहा था 90 में कुछ ऐड या सब्रैक्ट करते हैं तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, और टेन कॉट बन जाता है। अब इस रूल का यूज़ होगा, 90 से बड़ा, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं होती, थीटा की वैल्यू 90 तक जाती है बस। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसको पॉजिटिव लगा दो, जो कॉस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव लगा दो, जो टेन है उसकी वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव लगा दो। तो इस बेसिस पर हम हायर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको इसी एग्जाम्पल से। साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, साइन 120 कितना है तो बताओ बेटा, 90 में मैं क्या ऐड करूँ कि ये 120 हो जाए? तो नेचुरली इट इज 30। तो साइन 90 प्लस 30 विल इक्वल टू cos 30। तो साइन 120 इज सेम एज cos 30। cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं, √3/2। तो साइन 120 √3/2 हो गया। एक cos 120 भी निकाल के देखते हैं। cos 120 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है तो -sin 30। इसमें जो है थीटा 30 है तो ये वैल्यू आपकी आएगी -½। तो cos 120 की वैल्यू बेटा -½ होती है। तो इससे आप किसी भी हायर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रूल और बताता हूँ, जैसे साइन, वैसे ये सब आपको मैथ्स वाले सर सिखाएंगे, साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइन साइन ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और टेन टेन ही रहता है।
अब इसके बाद इस रूल का सहारा लिया जाता है, एएसटीसी रूल। तो साइन 180 प्लस थीटा, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब टेन पॉजिटिव है तो इसके आगे पॉजिटिव लगा दिया, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, कॉस नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया। सपोज मेरे को साइन 225 की वैल्यू निकालनी है, साइन 225, तो बताओ मैं 180 में क्या ऐड करूं कि 225 आ जाए। तो बड़ा सिंपल होता है, मैं 180 में 45 ऐड करूंगा तो 225 आ जाएगा। तो साइन 225 कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 45, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2। तो साइन 225, साइन 225 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/√2। तो किसी भी हायर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं, एएसटीसी। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला बनाना आना चाहिए, और फार्मूला बनाना दुनिया की सबसे सिंपल चीज़ है। देखिए कैसे एक और फार्मूला बना के देखते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। मेरी ट्रिक याद रखो, जब 90 और 270 में प्लस और माइनस करते हैं तो बेटा साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, और टेन कॉट बन जाता है। अब बेटा अब हम देखेंगे कि इनके साइन कैसे लगाए जाएंगे। तो 0, 90, 180, 270, 360। अब देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, टेन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। सपोज ऐसा करते हैं, साइन 270 निकाल के देखते हैं, काम भी आता है साइन 270। तो थीटा की वैल्यू क्या रखूँ कि साइन 270 निकला है, तो थीटा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, तो साइन 270 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है, तो साइन 270 की वैल्यू बेटा -1 आ गई। इसी तरह से हम जो है 360 के लिए भी बना सकते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, और टेन 360 माइनस थीटा। अगर हम 180 और 360 में माइनस या प्लस करते हैं तो बेटा साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, और टेन टेन रहता है। रही बात साइन की कि कौन सा साइन लगेगा, तो ये रूल है, साइन 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव हो गया, साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है। तो सेम थिंग आ गई बेटा, इससे भी हम और एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं।